अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे मटन के सीख कबाब। ये बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स खाने में। तो आप देख सकते हो हमने क्या क्या लिया है। मटन का कीमा लिया हमने 500 ग्राम। इसको हमने अच्छे से धो लिया, पूरा पानी इसका निचोड़ लिया है और इसको मिक्सी में चला लिया है, थोड़ा सा बारीक कर लिया है। 2 चम्मच लिए हमने कॉर्नफ्लोर, 3 चम्मच भुने हुए चने का आटा, 1 प्याली लिया हमने हरा धनिया और पुदीना दोनों मिक्स है 1 प्याली भरकर, 1 बड़ी प्याज ली हमने, इसको कीस लिया, इसका भी पानी निचोड़ दिया अच्छे से, 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है आप देख सकते हो दरदरा, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, और इसकी वजह को हमने इस तरह से पानी में रख दिया आप देख सकते हो, और 1/2 नींबू का रस लेंगे और तेल इसको फ्राई करने के लिए, और प्याज देख सकते हो आप इस तरह से एकदम रूखी रूखी प्याज रहना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए अंदर। तो इसको हमने कीस लिया और अच्छे से निचोड़ लिया इसका पानी, आप देख सकते हो इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, और कीमा भी देख लीजिए आप। इस तरह से हमने इसको मिक्सी में चलाकर इस तरह से थोड़ा इसको फाइंड कर लिया है। तो इसी तरह का कीमा होगा तो वो बहुत इजीली कबाब हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए कीमे में पहले हम नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, ये 1/2 नींबू का रस, अदरक और लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, जीरा और गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, हरा धनिया और पुदीना इस तरह से, प्याज, सब कुछ डालती है हमने अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथ हमने अच्छे से धो लिए, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है कीमे के अंदर मसालों को। इसी तरह से मिक्स कीजिए आप भी, सब मसाले कीमे के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब होना चाहिए। अभी हम इसको ढककर 1/2 घंटे के लिए रखेंगे, 1/2 घंटे के बाद इसको तैयार करेंगे। देखिए कीमे को हमारे 1/2 घंटा हो चुका है, इसको हमने फ्रिज में रख दिया था, अभी हमने फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो चुका है कीमा हमारा। तेल ले लिया हमने थोड़ा सा हाथ पे लगाने के लिए, देखिए इस तरह से थोड़ा सा हाथ पर तेल लगा लेंगे, और जितना हमको कबाब तैयार करना है उतना हम कीमा ले लेंगे, इस तरह से इसको गोल करेंगे इस तरह से, और इस तरह से इसको बड़ा करते जाएंगे, और 2 स्कीवर ले लेंगे, 2 ही लीजिएगा तो बहुत इजीली ये निकल पाएगा। देखिए इस तरह से इसको बीच से डालना है, बीच में डालेंगे बराबर आप देख सकते हो, और इसको हाथ से फिर बड़ा करेंगे हम इस तरह से, इसकी ओर पानी में डालने से वो जलती नहीं है, तो आप भी पानी में ही रखिएगा इस तरह से, इसको हाथ से बड़ा करते जाएंगे। आप देख सकते हो हाथ से हमने इसको बड़ा कर लिया है, देखिए इस तरह से। अभी और एक दिखा देंगे हम आपको, देखिए थोड़ा सा तेल लगा लिया हमने, आप इस तरह से भी कर सकते हो। 2 तरीके हम आपको दिखा रहे हैं, आपको जो इजी लगे आप उस तरह से कीजिए। देखिए इस तरह से इसको हथेली पर रखकर इस तरह से कीजिए, फिर इसके अंदर इसकी वर रख दीजिए, फिर इस तरह से इसको बड़ा कीजिए इस तरह से,
देखिए हमने इसको भी बड़ा कर लिया इस तरह से, उंगलियों से कीजिए आप, देखिए इस तरह से। तो ये दोनों भी तरह से हमने आपको दिखा दिया है, जो आपको इजी लगे उस तरह से आप कीजिए। अब इसी तरह से हम सब तैयार कर लेंगे। ये देखिए सभी हमने बनाकर तैयार कर लिए है, अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए पैन में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया, तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। एक एक करके हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। जितने हमारे पैन में इजली आ पाए उतने हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए ऐड कर दिया हमने, और गैस को हमने मीडियम फ्लेम पर ही रखा है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उलट पलट कर। जो हमने पहले डाला था उसको हम पलट देंगे। आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आया है। इस वाले को भी हम पलट देंगे। देखिए सभी हमने पलट दिए। इसी तरह हम घुमा घुमा कर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, अच्छे से वो अंदर तक टेंडर हो पाए। इस तरह से घुमा घुमा कर इसको फ्राई करना है ताकि सब तरफ से वो अच्छे से हो जाए। देखिए आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको सब तरफ से घुमा घुमा कर अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख लीजिए एक ही जैसा कलर आया है सब तरफ से, और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से इसको फ्राई करना है। अभी हम इसको निकाल देंगे। देखिए निकाल दिया हमने। देखिए इसी तरह से अब हम सब फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए बनकर तैयार है मटन कबाब। एक हम आपको तोड़कर दिखाना चाहेंगे, और इस तरह से हम आपको निकाल कर भी दिखाएंगे। देखिए कितने इजीली ये निकल जाएगा। दो लगाएंगे तो इससे ये फ़ायदा होता है कि बहुत इजीली वो निकल जाते हैं। और अंदर से आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से टेंडर हो चुका है, देख लीजिए आप। तो ये लीजिए बनकर तैयार है मटन सीख कबाब। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, खाने में बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं। आप होटल्स या रेस्टोरेंट जाना भूल जाओगे, इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है। ट्राई करोगे तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आपके सीख कबाब किस तरह से बने हैं। तो हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमेशा की तरह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजते रहिए। इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई कीजिए, इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। और हमारे रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स में आपके फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।